ग्यारहबीसा टैबलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। ये कब्ज के लिए दी जाती है, इंडिया में काफ़ी यूज होती है, तो इसी टैबलेट के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि जरबीसा टैबलेट कैसे खाना है, कैसे काम करती है, सब हम लोग जानने वाले हैं। जरबीसा टैबलेट ये जायडस कैडिला द्वारा बेची जाती है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है विसाकोडिन। अब जो टैबलेट है 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, 5 मिलीग्राम रहता है बेसिकली इसमें, और ये जो कीमत होती है इसकी 1 रुपए के आसपास आपको ये जरबीसा की एक टैबलेट मिल जाएगी। यूज की बात करें तो ये कब्ज में लिखी जाती है, कब्ज अगर किसी को है तो ये जरबीसा की एक टैबलेट रात में खाने को दी जाती है और सुबह पेट साफ हो जाता है। और कई बार अगर किसी को ऑपरेशन करना हुआ, पेट साफ करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में या जो बड़ी आंत है उसकी जांच वगैरह करनी हुई, सोनोग्राफी करनी हुई, तब भी ये दवा आपको टैबलेट खिला सकते हैं। तो ये इसके बेसिकली जरबीसा जो टैबलेट इसके अंदर विसाकोडिल होता है, ये इसका यूज हो गया। कब्ज हो रही है, आप परेशान हैं या पेट का ऑपरेशन करना है, जांच करना है, तब ये जरबीसा टैबलेट को लिख दिया जाता है और उससे आपका पेट साफ हो जाता है। वैसे पेट साफ करने के लिए काफ़ी तरह की दवाइयाँ आती हैं, पीने की सिरप भी आते हैं और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अकेली दवाई है कि बस विसाकोडिल काम करता है। कब्ज के काफ़ी तरह की दवाइयाँ होती हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अगर ये जरबीसा टैबलेट की बात करें तो इस दवा को जब आप खाते हो, इस टैबलेट को खाते हो, तो बेसिकली ये बड़ी आंत के अंदर जाती है और उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देती है। आंत की मोटिलिटी बढ़ने से जो आपकी कब्ज की समस्या रहेगी वो ठीक हो जाएगी, आपका स्टूल पास होगा क्योंकि आपकी आंत की मोटिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से काम करती है, इसलिए हम लोग इसको लैक्सेटिव स्टिमुलेंट बोलते हैं। जरबीसा के अंदर जो विसाकोडिल होता है उसको लैक्सेटिव स्टिमुलेंट बोलते हैं। इसी तरीके से एक ऑस्मोटिक जो लैक्सेटिव होता है वो भी होता है, जो हाथ में पानी खींच लेता है, इससे आपका स्टूल डाइल्यूट होगा। या कुछ दवाइयां हैं जो कि आपके अंदर जो स्टूल होता है उसको साफ करती हैं, कुछ जो स्टूल की क्वांटिटी है उसको बढ़ा देती हैं। तो इस तरीके से दवाइयां काम करती हैं। ये वाली जो दवाई है जरबीसा, ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, मतलब हाथ की मोटिलिटी को बढ़ा देती है। अब ये जरूर आप समझें कि ये दवा कैसे खानी, अगर इसकी बात करें तो ये दवा 5 मिलीग्राम या तो 10 मिलीग्राम खानी रहती है दिन में एक बार, और ये दवा आप खाते हैं तो इसके असर आने में 6 से लेके 8-10 घंटे लग सकते हैं। इसलिए हमेशा रात में खाना खाने के बाद दी जाती है। खाना खाने के बाद आप पानी के साथ टैबलेट लेंगे, 6 से 8 घंटे में आपका पेट साफ होगा, क्योंकि जो आपकी बड़ी आंत है उसके अंदर उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखें। और कुछ लोगों को 10 मिलीग्राम भी दिया सकता है अगर बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं तो, और कुछ लोगों का 5 मिलीग्राम से भी काम चल जाता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको एक ही बार लेना है और बहुत दिन तक नहीं लेना है, 3-4 दिन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक अगर आप लगातार ले लिए 15 दिन 20 दिन, तो उससे हो सकता है ये दवा काम ना करे और दूसरे भी नुकसान हो सकते, एक आदत लगने की बात हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक ये दवा नहीं लिखी जाती, 1 हफ्ते 10 दिन बस इसी तरीके से ये टैबलेट दी जाती है, क्योंकि कब्ज के लिए और भी काफ़ी तरह की दवाइयाँ होती हैं, फिर वो ट्राई करी जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट इससे कुछ खास नहीं आता, दस्त लग सकती है या दस्त बढ़ सकती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है और सिर दर्द हो सकता है, बस इतना ही साइड इफ़ेक्ट आता है। और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। किन लोगों को ये जरबीसा टैबलेट नहीं देनी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, या कौन लोग ये दवा ना खाएं, तो ऐसे लोग जिनकी आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जैसे कि कोलाइटिस हो या अपेंडिसाइटिस हो, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है, दस्त लग रही है, किसी और तरह की इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि आंत रुक गई है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या पानी की शरीर में कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, सोडियम पोटेशियम कम हो रहा है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये दवा नहीं देनी है जरबीसा, क्योंकि ये मोटिलिटी बढ़ाएगी। तो आपको अगर दस्त लग रही है तो और परेशानी होगी, या पेट के अंदर अगर कहीं इन्फेक्शन है, कोलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, तो उसमें समस्या हो सकती है। तो ये एक ज़रूरी बात है जो जाननी चाहिए, ऐसे लोग ये जो जरबीसा टैबलेट कब्ज के लिए ले रहे हैं। तो हमने ये जाना कि अगर बड़ी आंत के अंदर या पेट के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन सूजन है तब नहीं लेना है, कब्ज की दवा है, एक दिन में एक बार खाना खाने के बाद आप लेंगे, सुबह आपका पेट साफ होगा क्योंकि ये मोटिलिटी बढ़ा देगी, और बहुत दिन तक ये टैबलेट को नहीं दिया जाता। तो ये बात हो गई कब्ज के लिए जो जरबीसा टैबलेट है उसके बारे में। थैंक यू।